আপনারা দেখছেন 24 ঘন্টা ইন্ডিয়া টিভি, সর্বদা সবার পাশে সবার মাঝে। আর ও বচপন সেই সমাজবাদী তত্ত্বों पे विश्वास रखने वाले व्यक्ति और लड़ने वाले व्यक्ति, और खास करके उनका जो बैकवर्ड क्लास के लिए लगाव था, और मंडल कमीशन के बारे में भी उन्होंने अपना जो कंट्रीब्यूशन किया लागू करने का, ऐसे बहुत से चीज में उनके जीवन में उन्होंने जनता के लिए, गरीब जनता के लिए किए हैं। ऐसे एक व्यक्ति हमसे आज बिछड़ गए हैं, हमको छोड़ चले गए, और वो कभी कुछ काम है तो भी पार्टी कोई भी रहने दो, डेवलपमेंट देखते थे, खुद पूछते थे। मेरा एक ही उदाहरण मैं कहता हूँ, मुझे संविधान में संशोधन करना था, आर्टिकल 371J आप देखेंगे, निकाल के देखिए, वो मेरे एरिया के लिए सिर्फ था, हैदराबाद कर्नाटक जो एरिया है, गुलबर्गा, बीदर, रायचूर, बेल्लारी, कोप्पड़, ये लेके, तब उसको स्पेशल स्टेटस दिलाने के लिए, जैसा कि तेलंगाना को दिए हैं, मराठवाड़ा को दिलाए हैं, सौराष्ट्र को दिए हैं, वैसे ही स्पेशल स्टेटस का एक मुद्दा बिल मैंने बनवा लिया था। हमको कोई मेजॉरिटी नहीं थी, वो अगर बिल पास होना तो 2/3 मेजॉरिटी, यानी 380, और मेरे पार्टी के लोग थे सिर्फ 208। तो मैंने मुलायम सिंह जी के पास, उनके पास, सभी फ्लोर लीडर से मिलके पूछा कि ये स्पेशल के गरीबों के लिए ठीक है। मैंने कहा ठीक है, इससे जो पिछड़े प्रदेश है वो आगे आ सकते हैं, उनको नौकरियां मिलती है, एजुकेशन में रिजर्वेशन मिलता है। ये कहने के बाद मैं खड़गे साहब मैं आपके साथ हूँ, ऐसा ही बोलूँ आपको, एक ऐसा व्यक्ति है यानी दिल में कुछ नहीं रख लेते, पॉलिटिकल लड़ाई लड़ते हैं हर पार्टी के लोग, लेकिन आजकल जो पॉलिटिक्स चल रहा है, जलसी सप्रेस करना, ये नहीं था। ऐसे व्यक्ति हमारे छोटे चले गए। मैंने कहा पूरा जो उदयपुर डिक्लेयर। आज ए पर्यंत, संगे রাখুন 24 ঘন্টা ইন্ডিয়া টিভি, দেখতে থাকুন সব জেলার সব খবর, সবার আগে 24 ঘন্টা ইন্ডিয়া টিভির পর্দায়। নমস্কার।